नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो कुंड है ये उबलता हुआ पानी है। इसके अंदर जो भी डालो वो उबल जाता है, बन जाता है। जैसे चावल डालते हैं तो चावल बन जाते हैं और आलू डालते हैं तो आलू बन जाते हैं। ये जो कुंड है ये मणिकर्ण साहब में है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो कुंड है बहुत ही पवित्र स्थान पर है। तो यहाँ पर चावल डाले जाते हैं तो चावल भी उबल जाते हैं और पानी बहुत उबलता हुआ है, जल जल का पानी है। ये लोगों ने आलू डाल रखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो पास में भाप आ रही है बहुत तेज, तो इसलिए स्क्रीन आपको क्लियर नहीं आ रही होगी। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ सारी ही लेटेस्ट और कुदरती नेचुरल होती हैं, ना कि ये बनी बनाई होती हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस वीडियो में ये जो कुंड दिख रहा है, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये जो कुंड है बहुत ही पानी जो है इसका उबल रहा है और इसके अंदर कुछ भी डाल दो तो वो उबल जाता है। चावल है, रोटी है, जो भी बनाओगे बन जाता है। तो ये कुंड जो है बहुत ही फेमस है और बहुत ही पवित्र स्थान है। मणिकर्ण साहब भोलेनाथ का बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। आप देख सकते हैं कैसे पानी उबल रहा है। यहाँ पर ना कोई आग का है वो है, ये पानी ज़मीन से निकलता है। कहा जाता है कि यहाँ पर शेषनाग जी ने फुंकार मारी थी, जिसके कारण यहाँ पर जो गर्म पानी की धारा निकली थी। तो ये पानी तब से है। वीवो कितना है? ये 52L हो रहा है। इस टाइम में 12,000 ठीक है।